तो नैनीताल जिले में 19 अप्रैल को भारी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। बता दें कि निष्पक्ष, पारदर्शी और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी और सिविल पुलिस लगाई गई है। साथ ही पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 3300 सिविल पुलिस के अधिकारी कर्मचारी समेत 2 कंपनी पीएससी और 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। इसके तहत ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेते हुए लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल 19 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में मतदान होने जा रहा है और मैं समस्त जनता को, नैनीताल की समस्त जो यहाँ पे नागरिकों को मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव की जो सारी तैयारियां अपने लेवल पर पूरी कर ली गई है। हम एक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के एक साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। उसके लिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान देने के लिए मतदान केंद्र पर जाएँ और अपना मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र पर अपनी जो एक भूमिका है उसको निभाने का कार्य करें।